वेलकम बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम हल करेंगे। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर का बहुत दिव्य प्रश्न है। ए वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज 5000 ओम पर वोल्ट। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इंटू ए वोल्ट मीटर दैट रीड्स 20 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन? विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम पर वोल्ट? विल यू प्रेफर दिस वोल्ट मीटर टू वन दैट इज ग्रेडेड एज 2000 ओम पर वोल्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज को हमें बढ़ाना है। देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आगे चलता है। स्क्रीन शॉट लेकर इस क्वेश्चन को रख लीजिए और आगे इसको हम लोग लगाते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है कि वोल्ट मीटर जो है वो 5 वोल्ट को मैक्सिमम रीड कर पा रहा है। तो वोल्ट मीटर जो बेसिकली होता है वो एक गैल्वेनोमीटर भी ही होता है जो कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर एक गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जोड़ दो तो वो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करने लगता है सर्किट में, और अगर एक गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ दो तो वो अमीटर की तरह बिहेव कर सकता है। इसको एकदम क्लियर कट जान लो। हाँ, अब एक गैल्वेनोमीटर की एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है जिसको हम लोग आईजी बोलते हैं। आईजी करंट पर ये फुल स्केल देगा, यानी कि इसका जो पॉइंटर होगा वो पूरा घूम जाएगा। वो मिनिमम करंट जिससे ये फुल स्केल घूम जाता है फुल स्केल करंट कहलाती है। उससे ज़्यादा करंट डालोगे तब भी ये फुल स्केल घूम जाएगा, लेकिन वो फुल स्केल करंट नहीं होगी। उस समय गैल्वेनोमीटर में करंट उसकी मैक्सिमम करंट से ज़्यादा हो जाएगी और वो बर्न कर सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट किसी भी गैल्वेनोमीटर में होती है। ये टॉपिक चल रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन का। एक बड़ा प्रश्न ये आया हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल है, लोगों को प्रॉब्लम थी कहाँ उन्होंने वीडियो बनाने को, तो ये चल रहा है क्वेश्चन। तो फुल स्केल आईजी पर ये क्या है दे रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की क्वाइल का एक डेफिनेट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताओ अगर इसमें आईजी करंट जा रही है, जी इसका रेजिस्टेंस है, तो बताओ इसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है? तो तुम कहोगे आईजी इंटू जी। दूसरे अर्थों में तुम ये कह सकते हो कि जब सीरीज में लगाएंगे तो ये मैक्सिमम आईजी करंट पे फुल स्केल देगा, और जब इसमें वोल्टेज में कहीं इसका दो यहाँ वोल्टेज लगा दिए तो कितना वोल्टेज लगाने पे फुल स्केल देगा ये? तो तुम कहोगे आईजी इंटू जी वोल्टेज अगर यहाँ इसके बीच में लगा दोगे पैरेलल में, ऐसे यहाँ कितना लगा दो, यहाँ आईजी इंटू जी वोल्टेज अगर लगा दोगे तो यही क्या हो जाएगा, तब ये फुल स्केल देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यह वीजी यानी आईजी इंटू जी ये फुल स्केल वोल्टेज हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज हो गया। यानी कि जब इसी पूरे कनेक्शन को पैरेलल में लगाओगे तो आईजी इंटू जी वोल्टेज पर ये फुल स्केल घूम जाएगा। चाहे कहो आईजी करंट पर फुल स्केल दे रहा है, और चाहे कहो आईजी इंटू जी वोल्टेज पर फुल स्केल दे रहा है। यानी कि जब पैरेलल में इसको जोड़ोगे तो ये आईजी इंटू जी वोल्टेज तक का वोल्टेज मीजर करेगा, और जब सीरीज में जोड़ोगे तो आईजी करंट तक का करंट को मीजर करेगा। ये चीज़ एकदम क्लियर तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए। तो यहाँ आईजी इंटू जी बराबर कितना दिया है, 5 वोल्ट। कह रहा है ए वोल्ट मीटर रीड 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 5 वोल्ट कर रहा है, यानी कि वो मैक्सिमम 5 वोल्ट को मीजर कर सकता है। यानी आईजी इंटू जी क्या है, 5 वोल्ट है, एक वैल्यू हमको मिल गई। और कह रहा है कि इसकी जो ग्रेडिंग हुई है वो रेजिस्टेंस पर वोल्ट की जो ग्रेडिंग हुई है, यानी कि इसके हर वोल्ट की ग्रेडिंग कितनी है, 5000 ओम पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर ये 5000 ओम हर बोल्ट पर दे रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की क्वाइल हर एक बोल्ट पर 5000 ओम का रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है। यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज जो है वो 5000 पर बोल्ट है, 5000 ओम पर बोल्ट है। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा क्वाइल का, एक बोल्ट पर
5000 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है तो कितना वोल्ट मैक्सिमम रीड कर रहा है, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि कितना रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है गैल्वेनोमीटर की कॉयल, तो जान रहे हो वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वोल्टेज का ओम 5000, तो 5 वोल्ट का 5000 ओम पर वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है 5000, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज इंटू 5000 ओम पर वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 25000 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई जी इंटू जी बराबर 5 है, तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा, 5/g, जी की वैल्यू 25000 है, डिवाइड कर देंगे 1/5000 आ गया, ठीक, एम्पियर में। अब सीरीज में, अब इसकी इसको कहा जा रहा है 20 वोल्ट तक का हमें इसका क्या करना है, इसकी ग्रेडिंग बढ़ानी है, इसको 20 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, अभी 5 वोल्ट मीजर कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक सीरीज रजिस्टर में लगाएंगे यहाँ पर, तो वो सीरीज रजिस्टर की वैल्यू आर एस इक्वल टू वी अपान आई जी माइनस जी होती है, फार्मूला हमने डराइव करवाया है। तो 20/1/5000 माइनस 25000, ये 100000 हो जाएगा, माइनस 25000 आ गया 75000। तो 75000 ओम को हम कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, किसके, यह वोल्ट मीटर चाहे बोलो चाहे अमीटर बोलो, है ना, या गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर या अमीटर के सीरीज में लगाएंगे ये ऐसे। अब यहाँ क्वेश्चन एक बड़ा तगड़ा है इसमें कि विल इट स्टिल बी ग्रेडेड एज 5000 ओम पर बोल्ट, क्या अभी भी इसके हर बोल्ट की का जो रेजिस्टेंस होगा वो 5000 ओम होगा, यानी गैल्वेनोमीटर कॉयल का हर बोल्ट की रीडिंग पर रेजिस्टेंस 5000 वोल्ट होगा। तो आंसर यहाँ इसमें छिपा है क्वेश्चन में। देखो हमने आई जी यहाँ करंट गई, यहाँ जी रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या है आई जी इंटू जी ड्राप होगा, और यहाँ हमने 75000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अभी यहाँ बताओ कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है, तो तुम कहोगे 20 वोल्ट। कितना अप्लाई हुआ है, 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट में 5 वोल्ट यहाँ ड्राप हो गया, 15 वोल्ट यहाँ ड्राप हुआ। तो अभी बताओ जब हमने यहाँ 20 वोल्ट लगा दिया, तो अभी भी तो इसमें 5 ही वोल्ट ड्राप हो रहा है, पहले भी यहाँ 5 ही वोल्ट ड्राप हो रहा था। अब सीरीज में 75000 लगाए, तो जो एडिशनल 15 वोल्ट है वो यहाँ ड्राप हो गया, तो इसमें तो अभी भी 5 ही वोल्ट ड्राप हुआ। तो जब अभी भी 5 ही वोल्ट ड्राप हुआ, करंट भी इसमें वही जा रही है, तो जब करंट वही है, गैल्वेनोमीटर और ये या इसके बीच का वोल्टेज भी 5 ही वोल्ट है, तो इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इसका वोल्टेज बदल जाता, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट हो जाता, तब इसके रेजिस्टेंस पर फर्क आने लगता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो करंट, जो डिफ्लेक्शन यहाँ है, वही करंट वही डिफ्लेक्शन यहाँ है, तो ना तो वोल्टेज बदला था तो करंट बदली, तो न तो रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज भी बदलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन है कि सीरीज में कभी भी कोई भी और एडिशनल हम यहाँ पर वो लगा देते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज बदलता नहीं है गैल्वेनोमीटर का। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विल यू प्रेफर दिस वोल्ट मीटर टू वन दैट इज ग्रेडेड टू 2000 ओम पर वोल्ट, तो क्या 2000 ओम पर मीटर वाला कोई अगर ग्रेडिंग हुई है, यहाँ 2000 अगर होगा, तो क्या वो ज़्यादा उसको तुम प्रेफर करोगे, तो आंसर है नो। हम 2000 ओम पर मीटर, 2000 ओम पर वोल्ट वाले ग्रेडिंग वाले वोल्ट मीटर को हम प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर अगर हम 2000 रखते हैं तो 2000 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10000 होगा, और यहाँ 5/10000 करोगे तो 1/2000 आ जाएगा, यानी कि 1/2000 यहाँ करंट मीजर करेगा, और पहले कितना 5000 ओम पर वोल्ट वाला 1/5000 करंट को मिनिमम मीजर कर पा रहा है, और जब यहाँ 2000 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2000, तो 1/5000 एक मीजर कर पा रहा है करंट, और 1/2000 एम्पियर मीजर कर पा रहा है। तो इसमें देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो जो जितनी ज़्यादा कम करंट कोई इंस्ट्रूमेंट मीजर कर पाता है उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, 1/5000 एम्पियर वाला, या जब 2000 यहाँ कर देंगे तो 1/2000 आएगा ये वाला। तो तुम्हारा आंसर क्लियर है कि वी विल प्रेफर
द वोल्ट मीटर ऑफ ग्रेडिंग 5000 ओम पर वोल्ट ओवर द वोल्ट मीटर ऑफ ग्रेडिंग 2000 ओम पर वोल्ट बिकॉज द वोल्ट मीटर हैविंग ग्रेडिंग 5000 ओम पर वोल्ट इज मोर सेंसिटिव देन ग्रेडिंग 2000 ओम पर वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग कर लो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जेई एडवांस के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में भी ये आ चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो लाइक अच्छा लगता है, अच्छा लगा हुआ हुआ क्वेश्चन पूरा आपको आ गया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक फॉरवर्ड करते रहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट से थोड़ा मनोबल बढ़ता है और आगे और भी वीडियो बनाने का मन करता है। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है वो तब आपको पता लगेगी जब कभी आप एक वीडियो शूट करेंगे तब। तो काम करते रहिए, खुश रहिए, बढ़ते रहिए आगे। आज के लिए इतना ही।